हेलो तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज का वीडियो एडिटिंग बेस्ड है, मतलब आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप मोबाइल से वीडियो को एडिटिंग करते हो यूट्यूब के लिए तो किस तरह आपको एडिटिंग करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा एडिटिंग मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एडिटिंग करके आपके वीडियो को जो लुक है उसको और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो के रिगार्डिंग मुझे एक भाई है मेरा, जो है मेरा सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने मुझे मतलब एक कमेंट किया कि भैया एक टोटल कंप्लीट वीडियो बना दो जहां से हमको एडिटिंग करने का एक तरीका मिल सके। तो इसके लिए ही मैं वीडियो को बनाने के लिए यहां पर बैठा हूं। तो दोस्तों मैं हूं सुशोभन आपके साथ और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ज्ञान बांटते हैं। तो दोस्तों वीडियो तक इतने दूर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी से कर दीजिए वीडियो को बिग लाइक। दोस्तों मैं मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारा आपका रिव्यू करता हूं एंड ऐसा ही कुछ छोटा मोटा ट्रिक आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, करने के बाद वो बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आई होप आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस टॉपिक को लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो मेरे चैनल के ऊपर अभी है, तो जाके उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। उस भाइयों को रिक्वेस्ट में डाल नहीं सकता, उन्होंने मुझे बोला कि जे भैया एक मुझे वीडियो बना दो, कंप्लीट वीडियो बना दो कि किस तरह से आप एडिटिंग करते हो, नॉर्मल तरह का एडिटिंग हम किस तरह से अपने फ़ोन के ऊपर से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं मेरे फ़ोन से एडिटिंग करता हूं और मेरे फ़ोन में एक ही सिर्फ एडिटिंग ऐप है जो है काइन मास्टर। तो काइन मास्टर के ऊपर से ही मैं एडिटिंग करता हूं। मेरे वीडियो में ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं रहता, सिंपल सा एडिटिंग रहता है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, आपको इससे थोड़ा सा नॉलेज भी मिल जाएगा। और दोस्तों मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ जहाँ से आपको सब कुछ मतलब बताऊँगा। ये तो यही पहले सीरीज की वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं और दूसरा मैं आपको बताऊँगा चैनल बैनर कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे सेट करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, सब कुछ वहां पर मैं कवर कर दूंगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो यार जरूर करते जाना। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूं मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और आपको वहां पर से ही टोटल जो है प्रोसेस दिखा देता हूं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे गाली मत देना प्लीज, क्योंकि यहाँ पर मैं सब कुछ काइन मास्टर को लेकर कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इधर आके सीधा सर्च कीजिए काइन मास्टर। तो ये देख लीजिए काइन मास्टर। तो यहाँ पर आके सीधा आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा, ये फ्री वर्सन है, पेड वर्सन नहीं है, तो यहाँ पर आपको वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम इसमें इस ऐप में नहीं है, जो फ्री वर्सन का ऐप है इसमें नहीं है। तो सीधा आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखता है। तो चलिए मैं अब सीधा चलता हूँ मेरे काइन मास्टर ऐप के ऊपर और वहाँ पर जाके मैं सब कुछ आपको टोटल तरीके से दिखा दूँगा। तो दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ मेरा काइन मास्टर जो ऐप है उसके ऊपर। तो दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे है सेटिंग और यहाँ पर अबाउट और नीचे ये जो मतलब सेक्शन है एडिट वाला सेक्शन, यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट का जो है नेम चेंज कर सकते हैं। ऊपर में है जो काइन मास्टर का स्टोर है, यहाँ से आप सब कुछ काइन मास्टर का डाउनलोड कर सकते हैं, इफेक्ट हो गया, बैकग्राउंड स्क्रीन हो गया, बहुत सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। और राइट साइड में है यूट्यूब का आइकॉन, तो यहाँ से आप काइन मास्टर से लेके जितना भी वीडियो है सब कुछ यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। और मिडिल में है जो प्लस वाला आइकॉन, यही मेन पार्ट है, मतलब इसके अंदर जब आप जाएंगे तो वीडियो एडिटिंग वहां से ही होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, सीधा इसके ऊपर एक बार टैप कर दीजिए। टैप करने से इसका मेन इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो बाईं साइड से लेके पहले बात कर लेते हैं, यहां पर है अंडू रीडू वाला बटन, उसके बाद शेयर वाला बटन, उसके बाद है सेटिंग, उसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको लेयर देखने के लिए ये दिया गया है। और तो यहाँ पर सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑडियो वीडियो एडिटिंग ये सब कुछ आपको यहाँ पर सेटिंग में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सब सेटिंग पहले से ही ठीक ठाक रहेगा। तो अभी बात कर लेते हैं ये जो ब्लैक वाला इंटरफेस यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है स्क्रीन, मतलब यहाँ पर ही आपका वीडियो चलेगा। और अगर बात कर लेते हैं राइट साइड में है मीडिया, मीडिया के अंदर से आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर ला सकते हैं। और उसके बाद है लेयर, लेयर के ऊपर क्लिक करते ही सॉरी ये काम नहीं करेगा, पहले मुझे मीडिया यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं कोई फटाफट से कोई सा भी मीडिया को यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। और लेयर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मीडिया,
मीडिया का काम बिल्कुल सेम है, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर लाना और इफेक्ट। इफेक्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो मेरा सिंपली यहाँ पर एक इफेक्ट है, गेट मोड के ऊपर क्लिक करके आप बहुत सारा इफेक्ट, मतलब वो जो स्टोर है उस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं ओवरले, तो ओवरले के अंदर आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा देखने को। ओवरले के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी आप गेट मोड करके बहुत सारा ओवरले डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं टेक्स्ट, तो दोस्तों टेक्स्ट मतलब जो भी आप अपने वीडियो में लिखते हो या कोई सा भी इफेक्ट डाल सकते हो, लिख के कोई सा भी इफेक्ट को आप डाल सकते हो। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हैंड राइटिंग, तो यहाँ पर सपोज़ मान लीजिए आप कोई सिग्नेचर देना चाहते हो या कुछ भी आपके वीडियो के ऊपर करना चाहते हो, तो यहाँ से आप कोई सा भी चीज़ यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया। ऐसी तरह करके आप बहुत सारा चीज़ यहाँ से बना सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से एडिटिंग करता हूँ, सिंपल से एडिटिंग करता हूँ मैं, कोई ज़्यादा झोल झाल मेरी वीडियो में नहीं रहती, बिल्कुल नॉर्मल से एडिटिंग वही मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं जाता हूँ पहले मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ से मेरा कोई सा भी एक क्लिप को चूज़ करता हूँ, सपोज ये ही वीडियो मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, आने के बाद ये देखिए ये है लेयर, जिस लेयर की मैं बात कर रहा था ये है वो लेयर। और अब इस लेयर को यहाँ पर लाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को यहाँ पर लाने के बाद मैं इस लेयर को चला के पहले देख लेता हूँ। तो इस तरह से मैं स्क्रॉल करता हूँ पहला टाइम, और तो यहाँ पर मैं आके बैठा और यहाँ से मैं मेरा स्पीच शुरू किया। तो कैमरे को चलाने के बाद यहाँ पर आके मैं बैठा, बैठने के बाद यहाँ से मेरा जो है स्पीच शुरू हुआ। तो मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके सीधा इसके ऊपर एक बार टैप लगाता हूँ ऐसी तरह। जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये सब ऑप्शन को रखता हूँ मैं बाजू में। जो अभी मैं करता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आके जो ये कैंची वाला ऑप्शन है इसके ऊपर मैं टैप कर देता हूँ। टैप करने से यहाँ पर भी आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आके क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मैं ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने से मेरा वीडियो जो है बाईं तरफ से कट जाता है, मतलब जहाँ से मेरा स्पीच शुरू होता है वहीं से मेरी वीडियो शुरू होती है। तो मैं एक बार चला के वीडियो को ऐसी तरह देख लेता हूँ, तो सब कुछ अगर सही गया तो मैं इसके ऊपर फिर से एक बार टैप करता हूँ। टैप करने के बाद अब आती है साउंड की बारी, और मेरे वीडियो में जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ थोड़ा सा साउंड लो रहता है, तो इसलिए मैं ये जो साउंड वाला आइकन है इसके ऊपर टैप करता हूँ। टैप करने से ये जो वॉल्यूम मेन वॉल्यूम है इसको मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ, बिल्कुल 200 में छोड़ देता हूँ। तो छोड़ने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते करते नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर तो ये जो वॉल्यूम वाला ऑप्शन है इसको मैं करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ इतना मैं रखता हूँ। रखने के बाद इसको सीधा स्क्रॉल करते करते ऐसे एकदम एंड में जाता हूँ। एंड में जाने के बाद यहाँ पर भी आपको एक लाल गोटी देखने को मिल जाएगा, जो जिसको मैं सिंपल सा वही मतलब वॉल्यूम में रखता हूँ। रखने के बाद राइट कर देता हूँ, राइट करने के बाद मेरा जो है वीडियो का वॉल्यूम सेट हो जाता है। तो हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसी तरह करके आता हूँ वीडियो को चालू करके। चालू करने के बाद सपोज़ मान लीजिए मैं यहाँ पर आके बोला कि आज का वीडियो का टॉपिक ये है, तो यहाँ पर आके जो मैं एक एनिमेशन यहाँ पर डालता हूँ जो वीडियो के शुरू में ही आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो एनिमेशन मैं यहाँ पर डालूंगा वो एनिमेशन को लेके मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं आता है ऐसी तरह एनिमेशन बनाना तो जाके मेरा जो वीडियो लिस्ट है वहाँ पर चेकआउट कीजिए, आपको ज़रूर वो वीडियो मिल जाएगी और आप भी बहुत अच्छी तरह से वो एनिमेशन बना सकते हैं। देता हूँ लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जाता हूँ मीडिया के ऊपर। मीडिया के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ से ये जो मेरा है इसको फिट कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर लाके छोड़ देता हूँ। देने के बाद इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है, मतलब काटना पड़ता है। तो ऐसा मैं स्क्रॉल करते करते क्रॉपिंग में आता हूँ। आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इसे क्रॉप कर देता हूँ, देने के बाद राइट, तो ये मेरा तैयार हो गया। तो सपोज़ मान लीजिए मैंने आपको आज की इस वीडियो में बोला कि आपको किस तरह से मोबाइल से वीडियो एडिटिंग करना चाहिए, तो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर। रखने के बाद यहाँ पर देख लीजिए इन एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके मैं इसका एनिमेशन डालता हूँ स्लाइड अप, और बैक चले जाने के बाद आउट एनिमेशन में जाके मैं इसको डालता हूँ स्लाइड डाउन। तो मेरा ये एनिमेशन तैयार हो गया। तो फिर से मैं इसके ऊपर
मतलब टेक्स्ट को डालने के लिए जाता हूँ लेयर में। लेयर में जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर मैं डाल देता हूँ कि आज के जो वीडियो का टॉपिक है वही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ऐसे देखता हूँ, देखने के बाद इसको रख के यहाँ पर रख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देने के बाद ये जो डबल ए वाला साइन है इसके ऊपर आता हूँ, आने के बाद ये जो टेक्स्ट स्टाइल है इसको लगाता हूँ, लगाने के बाद मैं राइट कर देता हूँ। तो टेक्स्ट को इधर इस तरह से लाने के बाद इन एनिमेशन में जाता हूँ, जाने के बाद मैं इसको भी कर देता हूँ स्लाइड अप, और आउट एनिमेशन में जाके कर देता हूँ स्लाइड डाउन। तो अभी जो है सॉरी टेक्स्ट का कलर चेंज करना भूल गया, इसको मैं करता हूँ रेड। रेड करने के बाद यहाँ पास थोड़ा सा नीचे आके शैडो को हटा देता हूँ और ग्लो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, देने के बाद राइट कर देता हूँ। तो ये देख लीजिए मेरा जो है एनिमेशन तैयार हो गया, मैं चला कर दिखा देता हूँ। तो सपोज़ मैं यहाँ पर आके बोला कि मोबाइल से आप कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, तो ये मेरा टॉपिक यहाँ पर फिट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद जब मैं बोलता हूँ कि चलिए आज का ज्ञान बांटते हैं, सपोज़ मैं इधर आके बोला आपसे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आके और एक बार वीडियो के ऊपर टैप करता हूँ। टैप करने के बाद ये जो कैंची वाला ऑप्शन है इसके ऊपर फिर से जाता हूँ, जाने के बाद थर्ड नंबर पर स्प्लिट ऐड प्लेहेड, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होता है वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद जो पार्ट वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करता है उसके ऊपर टैब लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक इफेक्ट को फिट करता हूँ। ये सब कुछ आपको नहीं दिखेगा अगर आपका काइन मास्टर नया है, ये सबको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइए, वहाँ पर जाके गेट मोड करके उसके स्टोर से आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आके एक इफेक्ट मेरे यहाँ पर डालता हूँ, तो ये इफेक्ट डालने के बाद मैं कर देता हूँ राइट। तो यहाँ पर सपोज़ मान लीजिए मैंने बोला कि चलिए आज का ज्ञान बांटते हैं, तो यहाँ पर आके देख लीजिए क्या होता है। तो यहाँ पर आके वीडियो ऐसे हो जाती है, तो हो जाने के बाद वीडियो का जो है सेकेंड पार्ट शुरू होता है जहाँ पर मैं बोलता हूँ। तो वीडियो तक इतना दूर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी से कर दीजिए वीडियो को बिग लाइक, सपोज़ मान लीजिए लाइक मैंने इधर बोला, तो लेयर के ऊपर फिर से जाता हूँ, जाने के बाद मीडिया, मीडिया के ऊपर जाने के बाद मेरा बहुत सारा वीडियो मतलब इफेक्ट पहले से तैयार किया है मैंने खुद से, वही इफेक्ट मैं यहाँ पर डालता हूँ। इसके ऊपर मैं ऐसे टैप कर देता हूँ, टैप करने के बाद ये देखिए ये ग्रीन स्क्रीन में आ गया। तो दोस्तों ये जो मेरा ग्रीन इफेक्ट मतलब लाइक वाला इफेक्ट आ गया, तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा जो है वीडियो को टोटल तरीके से कवर कर डाला। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं सीधा या इस तरह स्क्रॉल डाउन करते करते यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है क्रोमा की, तो इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ, करने के बाद इसको इनेबल कर देता हूँ। तो देखिए ये हट गया, तो हट जाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करते ऐसे आता हूँ, आने के बाद इसको राइट कर दिए ऐसी तरह, इसको छोटा करता हूँ, करने के बाद यहाँ पर इसको बैठा देता हूँ, देने के बाद क्या करता हूँ राइट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं कोने में फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये सब कुछ मेरा खुद का बनाया हुआ है, आपको अगर चाहिए तो आप YouTube पर जाइए, वहाँ पर आपको नो कॉपीराइटेड ऐसी तरह का बहुत सारा ग्रीन स्क्रीन मिल जाएगा जो आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ मेरा डाउनलोड किया हुआ नहीं है, इतना सब कुछ ये सब कुछ मैंने खुद से बनाया हुआ है, मेरा खुद का ही तैयार किया हुआ है ये सब कुछ। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि काइन मास्टर से मतलब ये जो ग्रीन स्किन इफेक्ट है बहुत अच्छी तरह से हाइड होता है, तो ग्रीन स्किन इफेक्ट ही अपने काइन मास्टर के ऊपर मतलब आपके वीडियो के ऊपर आप ज़्यादा डालने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये सब इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से वो सब कुछ बनाना चाहिए। और अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो चिंता करने की कोई बात नहीं, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ऐसी तरह का बहुत सारा ग्रीन इफेक्ट आपको मिल जाएगा जो मतलब कॉपीराइटेड नहीं है, आप अपने वीडियो में बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके जब मैं बोलता हूँ कि वीडियो तक सॉरी जब मैं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिए मेरे पास भी एक ग्रीन इफेक्ट है, तो मैं जाता हूँ ग्रीन इफेक्ट में, जाने के बाद यहाँ पर ये इफेक्ट को मैं डाल देता हूँ जो मेरा सब्सक्राइबर वाला इंट्रो है। तो फिर से मैं जाता हूँ क्रोमा की और इसको इनेबल कर देता हूँ, देने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरह से घिसाट के यहाँ पर आके लगा देता हूँ, तो मैं राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने बोला
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए सब्सक्राइब हो गया और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ये प्रेस हो गया तो ये फिर से चला जाएगा। तो चला जाने के बाद इतना दूर आके वीडियो में मैं क्या करता हूँ, इतना दूर आके मैं और एक इफ़ेक्ट मेरे वीडियो में डालता हूँ जो है, अभी मुझे जाना है लेयर के ऊपर। लेयर के ऊपर जाने के बाद मीडिया, मीडिया के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मैं ये मेरा खुद का बनाया हुआ है तो ये इफ़ेक्ट मैं डालता हूँ। यहाँ पर आके आप देखिए कैंची के बाद एक ऑप्शन दिया गया है ये, इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ। टैप करने के बाद इसको, ये जो फुल स्क्रीन है इसको कर देता हूँ। देने के बाद सीधा होता हूँ बैक, बैक आने के बाद यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन इसको इनेबल कर देता हूँ। देने के बाद ये क्या होगा, देने के बाद ध्यान से देखिए ये टेक्स्ट जा रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, उसके बाद हिट द लाइक बटन। यहाँ पर सब कुछ मैं लिख देता हूँ, मतलब ये जो इफ़ेक्ट है इसको डाल देता हूँ जहाँ पर सब कुछ लिखा होता है। तो इतना दूर आने के बाद मैं कुछ भी इफ़ेक्ट यहाँ पर नहीं डालता। यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके अगर मान लीजिए वीडियो में कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाना है तो यहाँ पर आके मैं डाल देता हूँ, जहाँ पर मैं बोलता हूँ वहाँ पर डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं सीधा इधर आता हूँ, इधर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इधर आने के बाद मैं लेयर के ऊपर फिर से जाता हूँ, मीडिया, मीडिया के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, ये जो मेरा फेसबुक मतलब है इसको डाल देता हूँ, फेसबुक पेज है ये मेरा, यहाँ पर आके डाल देता हूँ। तो ये रहा, और इसको भी मैं ऐसी तरह करके छोटा कर देता हूँ। देने के बाद इसको साइड में एक कोने में लगा देता हूँ, ऐसी तरह करके करके मेरा फेसबुक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आके इंस्टाग्राम, यहाँ पर आके ट्विटर का जो है सब कुछ मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पर आके सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर मेरा वीडियो एंड हुआ तो यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मैं वीडियो के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, कैंची वाले ऑप्शन के ऊपर फिर से आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पर जो मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन है अब इसको कर देता हूँ। कर देने के बाद क्या होता है, राइट साइड से मेरा वीडियो जो है कटआउट हो जाता है। तो यहाँ पर आके इतना दूर आके मेरा वीडियो से ख़त्म होता है। तो मैं फिर से जाता हूँ लेयर के ऊपर, लेयर के ऊपर जाने के बाद मीडिया, मीडिया के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड में चला जाता हूँ मैं। बैकग्राउंड ये सब कुछ आपको पहले से मिल जाएगा, मैं यहाँ से बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ ब्लैक। करने के बाद ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करता हूँ, ऊपर में देख लीजिए ये ऑप्शन, और इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देने के बाद राइट, तो इसके ऊपर टैप करके इन एनिमेशन में जाके इसको फेड कर देता हूँ। ऐसी तरह क्या होता है देख लीजिए, मेरा वीडियो जब ख़त्म होता है यहाँ पर आके ये बुझ जाता है, स्क्रीन बुझ जाता है। तो देखने को ये प्रोफेशनल टाइप से लगती है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आके मैं बोलता हूँ वीडियो के एंड से पहले कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि। तो मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ मीडिया में, मीडिया में जाने के बाद फिर से ग्रीन इफेक्ट, तो यहाँ पर आके ये इसको कर देता हूँ। तो देने के बाद मैं क्या करता हूँ, देने के बाद क्रोमा की में फिर से जाता हूँ, जाके इसको इनेबल कर देता हूँ। देने के बाद यहाँ पर फिर से इसको बड़ा स्क्रीन कर देता हूँ। करने के बाद सॉरी फेसबुक ये मिस गया, तो यहाँ पर ऐसी तरह ये इफ़ेक्ट फिर से आ जाती है और मेरा वीडियो यहीं पर आके एंड हो जाती है। तो दोस्तों सिंपल सा एडिटिंग आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, नॉर्मल तरह का एडिटिंग है। अगर कोई सा भी मतलब फास्ट यूट्यूब शुरू किया है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा ये एडिटिंग। तो इतना कुछ करने के बाद यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो सेव वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके ये जो शेयर वाला आइकन है इसके ऊपर टैप कर देता हूँ। टैप करने से यहाँ पर आपको मतलब वीडियो का जो रिजोल्यूशन है, फ्रेम रेट है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं इधर उधर करना है, छेड़छाड़ यहाँ पर मत कीजिएगा। और अगर आपका वीडियो टोटल तरीके से रेडी हो जाता है तो एक्सपोर्ट इसके ऊपर क्लिक कर देती कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए ये एक लाइन निकल के तेज़ी रफ्तार से आ रहा है। इस लाइन अगर यहाँ पर आके मतलब एंड में आके ख़त्म हो जाता है तो आप बिल्कुल रिडायरेक्ट हो जाओगे ऐसी तरह पेज में। और यहाँ पर जो मतलब वीडियो का रिजोल्यूशन है वो सेव हो जाएगा। तो ऐसी तरह करके आप एडिटिंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों यही था टोटल कंप्लीट फंडा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नीचे मेरे चैनल टेकगेन को सब्सक्राइब तो यार ज़रूर करते जाना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते भाई नीचे जाओ, वहाँ पर जाके मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा, जाके इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ सबसे पहले मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा टाइम मैं एक्टिव रहता हूँ तो फॉलो मुझे यार ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।